Yeah, go ahead. Balloon फुला लीजिए. We can fill the balloons with air. अब आप बांध सकते हो. Now you can tie the knots. Balloons की knot को बंद कर लीजिए. Balloons को tie कर लीजिए. मेरी instructions के बिना कुछ नहीं करना. एक एक toothpick, एक एक toothpick सबको दे दीजिए. एक साथ पकड़ लीजिए और सबको दे दीजिए. एक हाथ में बैलून ऐसे कर लीजिए और दूसरे हाथ में टूथपिक ऐसे कर लीजिए. वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन. वेट वेट वेट. बैलून ऐसे, टूथपिक ऐसे कर लीजिए. ओके जब स्टार्ट बोलूंगा तब शुरू होगा. क्लियर इंस्ट्रक्शन. आई गिव यू टाइम. द मोमेंट आई से स्टार्ट, इस एक्टिविटी के खत्म होने तक, टाइम के खत्म होने तक, जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर. जो लास्ट तक अपना बैलून बचाया, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून हुआ वो विनर. 3, 2, 1 स्टार्ट. जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर. जिसके हाथ में बैलून बचा वो विनर. जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर. केयरफुल. यस यस यस. कैन यू इनकरेज अस? यस. है टाइम, है अभी टाइम है, आराम से. यस यस. जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर. जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर. जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो जाइए. क्या सोचा था ठाकुर खुश होगा, सब ऐसी देगा. मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर. मैंने कहीं पे ये बोला था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना जरूरी है. क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी? क्या अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई बैलून ना फोड़ते, अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई किसी का बैलून नहीं फोड़ता तो हम सब जीत जाते. मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है. मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे का नुकसान करना जरूरी है. लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है. हमें लगता है जीतना, ओहो जीतना तो किसका नुकसान करूं. जैसे ही मैंने कहा जिसके हाथ में बैलून बचा होगा सबके टूथपिक रेडी हो गए, किसका फोड़ना है. और देखो कैसे चल रहे थे. एक का फूट गया, तेरा भी फूट गया, आजा उसका फोड़ते. दो लोग मिलके, हा तेरा भी फूट गया, वो बचा, आजा उसको हराते हैं. यही चीज होती है, यही चीज होती है कंपनीज में, यही चीज होती है घरों में, यही चीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, यही चीज होती है कंट्रीज में. एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम सब हार जाते हैं, एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में हम नीचे चले जाते हैं, एक दूसरे को डिफीट करने के चक्कर में हम हार जाते हैं. हमें लगता है कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना जरूरी है, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना जरूरी है. ये चीज कंपनीज में होती है, एम्प्लॉयज में होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में होती है. हर पार्टी एक दूसरे को हराने के चक्कर में देश को हरा रही है. और अगर पार्टी सोचे कि देश को जिताना है तो पार्टीज भी जीत जाए, राइट? यही चीज हर जगह है, राइट? सुबह रूम में बैठे कुछ लाइंस मैंने लिखी थी, कभी कभी लिख लेता हूं. सो व्हाट आई रोट इन द मॉर्निंग वाज, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं. अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं. अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं. अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाएं तो जवाब हैं. अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है. अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है. अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत है, मिल जाए तो इबादत है. ये चीज अगर हम समझ जाएं, आज साल की शुरुआत में एसबीआई फैमिली ये समझ जाए कि एक साथ हम जीत सकते हैं, अकेले एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे, तो आपका जो भी ग्रोथ साइकिल रहा है कंपनी का वो बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकता है, राइट? क्योंकि अकेले आपके पास 10 साल 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, अगर एक दूसरे को सिखाने में हेल्प करते हैं, तो आप लोगों का सिर्फ इस हॉल का ही
पूरी कंपनी छोड़ो, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, अगर एक परिवार बन के चले तो 10,000 साल का एक्सपीरियंस है, 10,000 साल का। और 10,000 का एक्सपीरियंस, 10,000 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है। अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें कि यस वी आर वन फैमिली, टुगेदर वी कैन विन, अलोन व्हाइल मेकिंग अदर्स लूज वी लूज। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां हसीन नजर आता है, मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां हसीन नजर आता है, वरना भीगी आंखों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है।